बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हाजिर न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि सोनिक टेस्ट नेट वाले पे जो है वो वीडियो बनाओ, तो मैं इसका फुल प्रोसेस वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो जिन फ्रेंड्स को भी नहीं आता तो वो ये वीडियो देख कर लें, और जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। इसकी तमाम लिंक्स, फोसेट लिंक्स और अपडेट्स वगैरह जो है मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ब्राउज़र चाहिए होगा, जो कि आप ये कीवी या माइसिस ब्राउज़र दोनों में कर सकते हैं, तो जो भी आपको बेस्ट लगे। तो मैं माइसिस यूज़ करता हूँ, तो मैं उसी में करूँगा इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये एक्सटेंशन जो है क्रोम वेब स्टोर वाला लिंक जो है ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। सिंपली यहाँ पर ये आपका लिंक ओपन होके आ जाएगा, और पर आपने करना है एड टू क्रोम। एड टू क्रोम पर क्लिक करके आपने यहाँ पर ओके करना है, तो आपकी जो ये एक्सटेंशन है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही सेकंड्स के बाद जब ये लिखकर आ जाए करेंगे फ्रॉम क्रोम, तो ये आपकी समझो कि इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर हम क्रिएट न्यू वॉलेट करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट, तो टेस्ट ऑफ साइट करेंगे ताकि हमें सही इंटरफेस मिल जाए। तो हम इसको क्लिक करके आई अंडरस्टैंड पे जाइए, और इसको सेव करके रख लेना है। जो भी हमें यहाँ पर की मिलेगी हम करना है, कोई सा भी आपने टेस्ट के लिए पासवर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है कहीं पर भी क्लिक करेंगे आप, मैं एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप कोई सिक्योर पासवर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। देन यहाँ पर हम लिखेंगे इसका बैकपैक वॉलेट एंड इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम ओपन बैकपैक करेंगे, तो एक्सटेंशन हमारी जो है अब इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो ओपन करेंगे। यहाँ पर हमें जो ये ऑप्शन मिलता है ना ये एक्सटेंशन का, यहाँ से हम बैकपैक को ओपन कर लेंगे। तो इसमें हमें अभी 0.0 दिखा रहा है, तो हम इसका फोसेट जो है टेस्ट नेट टोकन्स लेंगे। इसके लिए हमने इसका वॉलेट एड्रेस जो है वो कॉपी करना है, और जो फॉसेट वाली लिंक है हमने उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस जो है पेस्ट करना है, एंड देन इसका कैप्चा फिल होगा। कैप्चा फिल होने के बाद हमें कंफर्म एड्रेस एयरड्रॉप पर क्लेम कर लेना है, और ये हम हर 24 घंटे के बाद क्लेम कर सकते हैं। आप चाहें तो डेली इसको कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो है इसमें एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो आपको एक अच्छा जो है प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। तो जस्ट आपने अब जो है ज्वाइनिंग लिंक जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है, एंड देन हमारा आगे का जो है प्रोसेस वो स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, एंड देन कनेक्ट वॉलेट, और यहाँ पर हम अपना बैकपैक वॉलेट जो अभी हमने इंस्टॉल किया था उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी ये कनेक्टिंग रिक्वेस्ट जाएगी इसमें, तो हम ट्राई करेंगे कि हमारी रिक्वेस्ट वहीं पर आ जाए तो सही रहेगा। मध्यान से ट्राई करेंगे बैकपैक वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए, और अगर नहीं हो रहा तो हम एक बार इसको ब्राउज़र पर जो है रीस्टार्ट करेंगे, एंड देन फिर से ट्राई करेंगे हम सेम लिंक को। यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट एंड डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिएगा, हो सकता है इशू सॉल्व हो जाए। और यहाँ पर हम बैकपैक को कनेक्ट करेंगे तो हमारा वॉलेट जो है ओपन होकर आ जाएगा। जस्ट हमने जो अपना अभी पासवर्ड रखा था वो एंटर करेंगे, एंड देन अप्रूव कर देंगे। जो ये हमारा वॉलेट जो है वो कनेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, देन यहाँ पर हमने अप्रूव करना है, और आए ऑलरेडी फिनिश्ड माय सेटिंग्स। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपने जो है ना उसका टेस्ट नेट ऐड करने के लिए ना सेटिंग्स टॉप पर चले जाना है। इसमें इसका जो ये ब्लॉग है ये ओपन होकर आएगा, और यहाँ पर आपने अपना सिर्फ एक कॉपी करनी होगी लिंक जो कि ये रही, इसको कॉपी करना है, देन अपना बैकपैक वॉलेट ओपन करना है। और यहाँ पर हमने ये जहाँ पर नेम लिखा हुआ है ना यहाँ पर क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ पर हम 16 नंबर क्लिक करेंगे और आरपीसी कनेक्शन पर चले जाएंगे। कस्टम पर क्लिक करके यहाँ पर हम वो लिंक जो है पेस्ट करके ओके कर देंगे, ताकि हमारा जो है वो वॉलेट के साथ कनेक्ट हो जाए। ये लिंक हम पेस्ट कर देंगे इसके अंदर और इंटर करेंगे, ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बैकपैक को ओपन करेंगे तो हमारा टेस्ट नेट जो टोकन्स हैं वो हमें दिखेंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जो 100 है वो टेस्ट नेट का हमें मिल चुका है। अभी हम आगे के जो टास्क वो परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। सिंपली सेम लिंक पर हम जाएंगे, और आई ऑलरेडी फिनिश्ड माय सेटअप, एंड देन हम जाएंगे यहाँ पर से टास्क सेंटर पर। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो आप यहाँ से टास्क सेंटर पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। इसमें एक ये मिलता है डेली चेक इन का, तो ये आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा।
यहाँ पर चेक इन पर क्लिक करेंगे, एक रिक्वेस्ट आएगी आपके बैक पे वॉलेट में, जैसे आपने अप्रूव करना है उसको, और कुछ सेकंड वेट करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा कि आपका जो चेक इन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और यहाँ पर आपका एक दिन काउंट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर माइल स्टोन्स पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन सेफ भी दिखाएगा। आप चाहें तो अपने दो वॉलेट क्रिएट करके, या आपके पास फैंटम वॉलेट होगा तो एक से सेकंड में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसका भी आपको जो है बेनिफिट होगा। और यहाँ पर आप रेफर भी कर सकते हो, जितने आपके ज़्यादा रेफर्स होंगे उतने ज़्यादा आपको मिस्ट्री बॉक्स मिलेंगे, और यहाँ पर डेली चेकिंग के भी आपको मिस्ट्री बॉक्स मिलेंगे, जो कि आप यहाँ से जीरो जहाँ पर लिखा आ रहा है यहाँ से आप क्लेम भी कर सकते हो। तो ये आप कुछ जमा करके बाद में ओपन कीजिएगा। तो यही प्रोसेस था, डेली चेकिंग आपको 14 दिन तक करना रहेगा, उसके बाद आपको इसका जो है एक मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा, उसको ओपन करना है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस यही था। अगर कुछ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करें या ग्रुप में मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।